झाड़ फूक, टोना टोटका और अंधविश्वास के सहारे धर्म कर्म से भोले भाले लोगों की बीमारी और समस्याएं दूर करने वाले बाबा आपको बीमारी भी परोस सकते हैं। जी हाँ, एमपी के रतलाम में ऐसा हुआ है, जब एक संक्रमित बाबा ने अपने भक्तों को भी कोरोना बांट दिया है। रतलाम में एक बाबा की 4 जून को कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। प्रशासन ने बाबा के कॉन्टैक्ट तलाश कर लोगों को क्वारंटीन किया। जब इन सबके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया तो शहर में कोरोना विस्फोट हो गया। बाबा ने अपने मरने से पहले 29 लोगों को कोरोना बीमारी बांट दी थी। प्रशासन अभी इस बाबा के संपर्क में आए और लोगों को तलाश कर रहा है। इस बाबा के कारण जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो शहर के बाबा के निवास स्थान नयापुरा क्षेत्र के ही हैं, जिसके बाद नयापुरा शहर का कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। एक बाबा के कारण शहर में कोरोना फैला तो प्रशासन ने शहर में ऐसे बाबाओं को उठाना शुरू किया। करीब 29 बाबाओं को उठाकर अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है। वहीं क्वारंटीन सेंटर में इन बाबाओं की शिकायत है कि उन्हें यहां कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, इनकी कोई जांच भी नहीं की गई है। इन बाबाओं का कहना है अभी वो कोरोना महामारी की वजह से सब बंद कर चुके थे, हमें पकड़कर यहां लाकर बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये बाबा रतलाम के नयापुरा में झाड़ फूक करता था और ताबीज देता था। लोग बड़ी संख्या में इसके पास जाते थे और ये कभी कभी लोगों के हाथ भी चूमता था। न्यूज़ डेस्क।